हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 15 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। और काइजर, अभी आप देख सकते हो आज हम खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स में जिम सिमुलेटर। काइजर, अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा मोटा हूँ। मेरा पेट देखो कितना मोटा है, मेरे हाथ देखो कितने मोटे, सबका सब मोटा है मेरे। पर गाइजर, आज के बाद ये सब मोटा नहीं रहने वाला। अभी फटाफट से इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और गाइजर, अभी ये मेरी स्टोरी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे स्कूल का टाइम आ चुका है। और ये क्या, मैं तो यहाँ पर गिर गया। मेरी स्कूल की बस यहाँ से जा चुकी है। मैं इतना ज्यादा मोटा हूँ मैं स्कूल की बस तक भी नहीं पहुंच पाया। अभी आप देख सकते हो भाग भाग के मैं स्कूल यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर नंगा क्यों आ चुका हूँ? सारे के सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं और मैं नंगा जा रहा हूं। और ये क्या, ये सब लोग तो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। पूरी की पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही है। और ये क्या, लगता है ये लोग तो मुझे मारने वाले हैं। अरे ये तो मुझे बहुत ही मार रहे हैं। और अब मैं बारिश में वापस से घर जाने वाला हूँ। पिज्जा खा के मैं हो चुका हूँ बहुत ही ज्यादा परेशान। और ये क्या, टीवी पर एड आ रही है फैट एंड अगली, बी जस्ट अगली, जिम ज्वाइन करो। तो गाइस सर, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है जिम ज्वाइन करने की। अभी आप देख सकते हो मैं इस बीच वाले जिम पर आ चुका हूँ। यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक बॉडी बिल्डर से, मुझे भी इनके जैसा बनना है। पर अभी फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हूँ। तो चलो फटाफट से इन जिम ट्रेनर के पास चलकर बात करते हैं। हे देयर, आई सी यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ अंकल, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। और गाइस सर, अभी अपन लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले इस जिम को। और अभी हम जाकर अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पर करने वाले, जो की होने वाली है बार फिक्स। लेट्स गो, फटाफट से इसके ऊपर लटक जाते हैं। और गाइस सर, हमें यहाँ पर पुलअप्स करने पड़ेंगे बहुत सारे। मैं बहुत सारे पुलअप करता रहूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी पतला हो जाऊं। और गाइस सर, यहाँ पे मैंने 1 किलो वजन उठा रखा है, आप देख सकते हो। इसको हम ऑटो लोड यहाँ पर कर देंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे आज की आज पतला होना है। चलो चलो चलो, हमको इसको कैसे भी करके कंप्लीट करते जाना है। आज मैं कैसे भी करके पतला और एक खतरनाक सा बॉडी बिल्डर बन के रहूंगा। सारे के सारे स्कूल के बच्चे मुझे बहुत ज्यादा मारते हैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा मोटा हूं। तो मुझे कैसे भी करके पतला होना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। चलो चलो चलो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। मैं पूरा अपना दम लगा दूंगा। ये ले ये ले ये ले ये ले, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। और ये क्या, मैं तो यहां पर बेहोश हो गया। स्कूल कंपटीशन यहां पर स्टार्ट होने वाला है। नहीं, मैं अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और गाइस, आप देख सकते हो मैं पहले से कितना ज्यादा पतला ऑलरेडी हो चुका हूं। अभी हम जाएंगे हैमर कर्ल लगाने, क्योंकि बाइसेप भी तो बढ़ाना जरूरी है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं, यहाँ पर हैमर कल लगाते हैं ताकि हमारे बाइसेप्स भी हो जाए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। फिर डोले शोले खतरनाक करके हम उन स्कूल के बच्चों से बदला लेंगे। पर अभी फिलहाल अपनी जल्दी जल्दी बाइसेप बढ़ा लेते हैं। तो गाइस, आप देखना इस वीडियो के एंड में हमारे कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले। आप देख सकते हो मैं कितनी जल्दी लगाता रहा हूं। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा वेट लगा लेते हैं। 2 किलो की पेट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए और इनको भी मैं आराम से उठा ले रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, 6 किलो की लगाकर देखते हैं। इतनी पावर मेरे पास है नहीं, 4 किलो के लगा के देखेंगे। आप देख सकते हो 4 किलो की प्लेट्स मैंने यहाँ पर उठा लिए और मैं इनको उठाता जा रहा हूँ। कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मेरी पावर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आज तो मेरी बॉडी में खतरनाक करके रहूंगा। ये देख सकते हो मैं कितना खतरनाक हो चुका हूँ। जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता तब तक मैं ये करता रहूंगा। और ये मैं बेहोश हो गया। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं पूरा का पूरा पतला हो चुका हूँ। मेरा पेट यहाँ से पूरा का पूरा जा चुका है। पर गाइस, हमें सिर्फ पतला नहीं होना, हमें खतरनाक होना है, इतना बॉडी बिल्डर बनना है। तो अभी फटाफट से चलते हैं। अभी हम करने वाले बेंच प्रेस। लेट्स गो, शुरू करते हैं। या बेंच प्रेस करेंगे ताकि हमारे चेस्ट भी बन जाए बहुत ही खतरनाक। 56 इंच की छाती हमें करनी पड़ेगी। लेट्स गो, जल्दी जल्दी बेंच प्रेस करते जाते हैं ताकि हम एकदम खतरनाक बन पाए। लेट्स गो लेट्स गो, मैं बहुत ही ज्यादा थकता जा रहा हूँ। पर हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारी बॉडी खतरनाक नहीं हो जाती। तो गाइस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं 4 किलो की प्लेट लगा के यहाँ पर फुल स्पीड में करता जा रहा हूँ। और गाइस, मेरी चेस्ट आप देख सकते हो डेवलप होती जा रही है धीरे धीरे। एक सेकंड, ये भी बहुत हो चुका है। अब मैं 6 किलो की डालूंगा। लेट्स गो, 6 किलो की भी मैं यहाँ पर उठा पा रहा हूँ। ये मेरी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। एक काम करते हैं, 10 किलो की डाल के देखते हैं। क्या मैं 10 किलो उठा सकता हूँ? नहीं, 8 किलो की तो मैं आराम से उठा लूंगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं पर एक 8 किलो की प्लेट उठाकर डाल रहा हूँ। पर आप देख सकते हो मेरे जो लेफ्ट वाला है वो कितना ज्यादा भारी वेट उठा रहा है। हमें भी उसके जितना बनना पड़ेगा।
और कैसे अभी आप देख सकते हो हम इस पर भी बेहोश हो गए और हमारी चेस्ट यहाँ पर बन चुकी है। अभी हम जाएंगे इन ट्रेनर के पास वापस से, कुछ काम है। आई टोल्ड यू टू शुड बिलीव मी। और कैसे इन अंकल ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करी है। यहाँ पर एक शॉप भी है, देखते हैं शॉप पर हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर पावर अप्स के पास हमारे पास चॉकलेट बार है, तो चॉकलेट बार ले लेते हैं फटाफट से, इसको खा लेंगे यहाँ पर। तो कैसे चॉकलेट बार हमने यहाँ पर खा लिए, अब फटाफट से चलते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू करते हैं। अब हमें सारी की सारी मशीनें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। लेट्स गो लेट्स गो। चॉकलेट बार खाने से मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। यहाँ पर हम 2 किलो की प्लेट उठा के डाल सकते हैं, नहीं अभी नहीं कर सकते। फटाफट जल्दी जल्दी अपने एब्स बनाते हैं, जितने ज्यादा एब्स उतनी ज्यादा पावर, जल्दी जल्दी करते हैं। ये 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 अभी अपन फटाफट से एक प्लेट डाल लेंगे अपने नीचे। 2 किलो की प्लेट आप देख सकते हो मैं कितनी आराम से यहाँ पर कर पा रहा हूँ। एक और 2 किलो की प्लेट डाल देते हैं। लेट्स गो, आ जाओ। हम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। हमारी चॉकलेट बार का नशा जो अभी 20 सेकंड और रहने वाला है, एक और प्लेट हो जाए। ये आप देख सकते हो मैं सही में कितना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो चुका हूँ। मेरी पावर से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और हमारी चॉकलेट बार का भी बिल्कुल पावर जाने वाली है और ये खत्म यहाँ पर हो चुकी है। पर गाइस फिर भी हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले, जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता आपको बताइए तब तक मैं ट्रेन करता हूँ। तो जल्दी जल्दी ट्रेन करते हैं। और ये मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। ये और यहाँ पर हम बेहोश हो चुके हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं, पर मेरे यहाँ पर एब्स भी आ चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने ये स्टार्ट किया तो मैं कितना ज्यादा मोटा था, और यहाँ पर स्कूल कॉम्पिटिशन आ चुका है, चलो इसको अटेंड करते हैं। तो गाइस अभी हम जाने वाले यहाँ पर थोड़ी स्क्वाट्स लगाने वाले हैं, तो लेट्स गो फटाफट से करते हैं ताकि अपने पैरों को भी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर बना पाए। लेट्स गो। यहाँ पर हम 1 किलो का वेट अभी हमने सिर्फ डाल रखा है, हम इसको बढ़ाएंगे, पर उसके लिए हमें और भी ज्यादा खतरनाक पावरफुल बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा। चलो 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 चलो। और कैसे आप देख सकते हो मैं तो यहाँ पर बेहोश होने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर 1 किलो से ज्यादा मैं उठा ही नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, अभी अपन चलते थोड़ा इधर उधर घूम लेते ताकि हमारी पावर वापस से रिस्टोर हो जाए, फिर अपन वापस से शुरू करेंगे। तो गाइस अभी अपन यहाँ पर करने वाले वापस से पुलअप्स, तो फटाफट से यहाँ पर अपन 2 किलो का वेट यहाँ पर डाल देंगे और फटाफट से शुरू करते हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया पुलअप करना। हमें इसमें वेट अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी बैक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाए। ये देख सकते हो मैं कितनी जल्दी जल्दी पुशअप्स कर रहा हूँ। पहले जब मैं आया था तब मैं बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे कर रहा था, पर अब मैं बहुत फुल स्पीड में कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फिर से बेहोश होने वाला हूँ। आजा आजा। और ये मैं वापस से नीचे गिर चुका हूँ। तो गाइस हमने पुलअप्स में भी यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज में एक एक बार बेहोश होने का मजा कुछ अलग ही है। अभी अपन शॉप पर जाएंगे और कुछ पावर के लिए ले लेते हैं, फिर वापस से शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हो मास्टर ड्रिंक यहाँ पर मिल रही है $127 की, तो फटाफट से इसको भी हमने यहाँ पर ले लिया है। और इस मास्टर ड्रिंक से हम यहाँ पर करने वाले पुश प्रेस। लेट्स गो फटाफट से शुरू करते हैं। ये देखो ऑटो लोड यहाँ पर कर लेंगे। 4 किलो का वजन हमने डाल रखा है, हम फुल स्पीड में बढ़ाने वाले अपनी पावर को। तो गाइस हमने वो ड्रिंक पी रखी है, इसलिए हमारे अंदर और भी ज्यादा पावर आ चुकी है। तो फटाफट से करते जाते हमें दुनिया का सबसे मस्कुलर मैन बनना है। और यहाँ पर 8 किलो की प्लेट्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, इसको भी जल्दी जल्दी करेंगे। 1.5 मिनट का अभी भी हमारे पास टाइम है उस एनर्जी ड्रिंक के साथ। और ये देख सकते हो मैं इतना ही तो मोटा था, ये ग्रीन कलर का जो आदमी है ना, मैं पहले इतना ही ज्यादा मोटा था, पर अब मैं इतना ज्यादा पतला हो चुका हूँ। अभी हमने 2 किलो की प्लेट्स और यहाँ पर डाल दिए। चलो चलो फुल स्पीड में चलते चलो। एक काम करते 4 किलो की एक और डाल कर देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा वेट यहाँ पर उठा रहा हूँ और मेरी पावर भी बहुत ही ज्यादा यूज होती जा रही है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ। और गाइस लगता है हमारा बेहोश होने का टाइम हो चुका है। इस बार मैं बेहोश होकर आऊंगा। ये लो फिर से बेहोश हो चुके हम। अभी भी हमारे पास एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारा सामान, अभी भी हमारी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर बची, तो यहाँ पर चढ़ जाते फटाफट से पुलअप्स लगाने। लेट्स गो लेट्स गो। हम यहाँ पर बहुत सारे पुलअप्स लगाएंगे ताकि अपनी एनर्जी ड्रिंक का फुल यूसेज हो सके। मैं तो वापस से बेहोश होने वाला हूँ। तो गाइस हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड बचे हमारी एनर्जी ड्रिंक में, और अपन फुल स्पीड में यहाँ पर पुलअप्स करते जा रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया, 4 किलो के वेट से हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 किलो का एक और प्लेट डाल देते हैं और मैं तो यहाँ पर बेहोश होने वाला हूँ बस। और ये 3 और ये 2 और ये 1 में हो चुका हूँ बेहोश, और मेरी एनर्जी ड्रिंक भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो गाइस हम तो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, पर आप देख सकते हो मेरी बॉडी कितनी ज्यादा बढ़िया होती जा रही है। अब अपन जाएंगे वापस से शॉप में और यहाँ पर चिकन विंग्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चिकन विंग फटाफट से
ले लेते हैं, इसको अपन खाते खाते जिम करने वाले, तो अभी क्या करा जाए, स्क्वाट्स करे जाए। इसकी बॉडी आप देखो कितनी खतरनाक है, मुझे इसकी जितनी बॉडी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन बैग लगा लेते हैं, पहले अपन खाएंगे चिकन विंग्स, हमें स्कूल कॉम्पिटिशन में नहीं जाना, फटाफट से चलते हैं और शुरू करते हैं। ये लो आज तो हम बहुत ही खतरनाक बॉडी अपनी बना के रही है, चिकन हमने यहाँ पर खा लिया है और हमारी बॉडी आप देख सकते हो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक 2 किलो की प्लेट और ऐड करके देखते हैं, और आप देख सकते हो 2 किलो की प्लेट मैंने यहाँ पर और ऐड कर लिए, और हम फुल स्पीड में करते जा रहे हैं। इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी थकता जा रहा हूँ, तो वापस अपनी एनर्जी को रिस्टोर होने देते हैं, फिर से करेंगे। आज का हमारा गोल है हमारी टोटल पावर को 300 तक पहुंचाना, अभी हम 180 पर है तो हमें और भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो लेट्स गो फटाफट से शुरू करते हैं। ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा, अपनी बैक को करना है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा मस्कुलर होता जा रहा हूँ। चलो फटाफट से चलते हैं, और लगता है मैं वापस यहाँ पे बेहोश होने वाला हूँ। चलो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, तो गाइस यहाँ पर मैं वापस से बेहोश यहाँ पर हो चुका हूँ। अब अपने थोड़ा रिस्टोर होने देते हैं एनर्जी को, फिर हम जाएंगे लेग प्रेस पे, क्योंकि गाइस ऊपर की बॉडी हमारी बनती जा रही है, हमें अपनी लेग्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको पहले बढ़ने देते हैं हमारी पावर को। चिकन की पावर अभी भी हमारे पास है, तो फटाफट से इसके ऊपर बैठ जाते हैं, लेट्स गो फटाफट से शुरू करते हैं 2 किलो के साथ, लेट्स गो। ये मेरे पैरों की पावर्स बढ़ने वाली है बहुत ही ज्यादा, चलो आज हमें अपनी पावर को 300 कैसे भी करके पहुंचाना पड़ेगा, जब तक हम नहीं रुकने वाले। चलो करते जाते हैं फुल स्पीड में, और कैसे आप देख सकते हो हमने इसको कर लिया, यहाँ पर हम जाने वाले 8 किलो पे। 8 किलो तो हम नहीं कर सकते, 4 किलो को करके देखते हैं, और हाँ ये हम आराम से कर सकते हैं, फटाफट से करते जाते हैं 4 किलो। आज हम अपनी सारी की सारी पावर यूज कर देंगे, हमारे चिकन की पावर भी यहाँ पर खत्म होने वाली है, 5 सेकंड से बच चुके हैं और हमारे चिकन की पावर यहाँ पर खत्म हो चुकी है, पर हमारी पावर अभी तक खत्म नहीं हुई, तो फुल स्पीड में करते जाएंगे। तो गाइस हमारी टोटल पावर 200 यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है, हम इसको 300 तक कैसे भी करके पहुंचाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं और इसको 300 तक पहुंचाते हैं, और यहाँ पर भी मैं लगता है बेहोश बस होने ही वाला हूँ, और ये बेहोश हो गया। तो गाइस मैं सही में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर यहाँ पर हो चुका हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक काम करते, थोड़े एब्स भी लगा लेते हैं, लेट्स गो थोड़े एब्स लगा लिए जाए, आहा मजा आ रहा है। 4 किलो के वेट के साथ हम यहाँ पर एब्स लगाएंगे, ताकि हो जाए और भी ज्यादा खतरनाक। तो गाइस अभी एब्स तो हमने यहाँ पर कर लिए, अभी हम स्टैट्स में जाएंगे कि हमारा सबसे कमजोर क्या है, यहाँ से देख सकते हैं फोरआर्म्स हमारी बहुत ही कमजोर है, और स्टैमिना हमारा सिर्फ 10% है, स्टैमिना हमें और ज्यादा चाहिए होगा, फिर मैं जल्दी थकूंगा भी नहीं, तो हम अपन फटाफट से जाएंगे ट्रेडमिल पर और यहाँ पर शुरू करते हैं फुल स्पीड में भागना। तो गाइस अभी आप देख सकते हो फुल स्पीड में हम यहाँ पर भागते जा रहे हैं, मेरा स्टैमिना बहुत ही ज्यादा तेज जा रहा है, और मैं तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी गिर गया, ऐसे कैसे चलेगा। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे स्पीड थोड़ी कम रखनी चाहिए, ताकि मैं जल्दी बेहोश ना हूं, तो आराम आराम से यहाँ पर करते रहेंगे, 10 रखते हैं, नहीं मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा, नहीं फिर से बेहोश हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाले अंकल कितने ज्यादा मस्कुलर हो रखे हैं, मुझे इनके जैसा ही बनना है, तो फटाफट से और भी ट्रेनिंग करते हैं, मैं आपको एक खतरनाक मस्कुलर इंसान बनने के बाद मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा मस्कुलर यहाँ पर हो चुका हूँ, मेरी बैक आप देख सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप सबका सब बहुत ही खतरनाक हो चुका है, और अब बारी आ चुकी है फोरआर्म्स की, मैंने एक बार भी अभी तक फोरआर्म्स अपने ठीक नहीं किए, जो कि मेरे सबसे ज्यादा कम है, तो फटाफट से इनको करते हैं। और गाइस आपको याद होगा जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो हम कितने ज्यादा मोटे और अजीब थे, और अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा हूँ। पर गाइस हमें इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डर बनना है, पर वो लगता नहीं मुझे एक दिन में हम कर पाएंगे। हमारी टोटल पावर यहाँ पर 500 हो चुकी है, मैंने आपको बोला 300 का हमारा गोल है, पर यहाँ पर 500 तो ऑलरेडी हो चुकी है। पर गाइसर फटाफट से अभी अपने फोरआर्म्स को यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, फिर देखेंगे हमारी आखिरी बॉडी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। जल्दी जल्दी यहाँ पर बढ़ाते जाते फोरआर्म्स, हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम स्कूल में जिन्होंने परेशान किया था उनसे अपना बदला ले सके, तो फटाफट से करते जाते फोरआर्म्स को अपने बढ़ा लेते हैं। और गाइस मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर बेहोश होने वाले हैं फोरआर्म्स करते करते, और ये बेहोश। तो गाइस आप देख सकते हो फोरआर्म्स से हम यहाँ पर बढ़ा लिए, 530 हमारी यहाँ पर पावर हो चुकी है, पहले से तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर लगने लग चुका हूँ। यहाँ पर ये अंकल एब्स लगा रहे हैं, इनकी साइड में बैठ के चेस्ट भी लगा सकते हैं और साथ में इनके एब्स भी लगा सकते हैं, लेट्स गो एब्स लगाते हैं, एब्स भी हमें और भी ज्यादा खतरनाक करने, ताकि हम और भी ज्यादा बढ़िया लगने लग जाए। तो गाइस फटाफट से
कमेंट करके बताना हमारी प्रोग्रेस आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी। एक मोटे से शुरुआत किया था और अब हम एक खतरनाक से बॉडी बिल्डर बन गए। दुनिया के सबसे खतरनाक तो नहीं बने, पर कुछ ना कुछ तो बन ही चुके। अभी आप देख सकते हो हमने एब्स को भी जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, ये वेट हमसे आराम से यहाँ पर उठने लग चुका है। अभी आप देख सकते हो 12 किलो के साथ अभी हम यहाँ पर एब्स लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली लग जा रहे हैं। तो मतलब यार मैं सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो चुका हूँ। अब बस मुझे अपने पैरों पर भी काम करना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रहेगा। अभी हम थोड़ा सा लास्ट में ट्रेडमिल कर लेते हैं, फिर आज इधर ही खत्म करेंगे। हम सही में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो चुके हैं। यहाँ पर अपने स्टेमिना को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, ताकि हम और भी ज्यादा जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर पाए और अपनी फुल पावर यहाँ पर लगा पाए। 20s की स्पीड कर देते हैं और आप देख सकते हो मुझे लगता है हम इस ट्रेडमिल पर भी यहाँ पर बेहोश होके ही मानेंगे। और ये मैं जाने वाला हूँ 3, 2, 1 और ये मैं हो गया बेहोश। तो गाइस आप देख सकते हो हम एक और बार बेहोश यहाँ पर हो चुके हैं। पता नहीं कम से कम 20-30 बार मैं इस जिम में बेहोश हो चुका हूँ, पर हमारी बॉडी हो चुकी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना आपको हमारी बॉडी कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। तो गाइस सर हमें कैसे भी करके टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट में यहाँ पर आना पड़ेगा, पर वो करेंगे हम अगली बार। तो गाइस सर ये तो हमारा डे 15 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज, आज हमने खेला रोब्लॉक्स। अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। और गाइस सर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो गाइस सर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।